हाँ चलिए, और ये जैसे बताया आपको कि इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला निकालने वाले हैं, जो हम लोग बिलियन के संदर्भ को व्यक्त करने वाले पदों के बारे में पढ़े हैं। वैसे फॉर्मूलता की कहीं चर्चा नहीं है, ठीक ना? आवश्यकता पड़ेगा तो फॉर्मूलता तो 2-3 मिनट का है, अंतिम बता दिया जाएगा। देखिए ध्यान से, अब क्या है, हम लोग अभी अभी नम्रता पढ़े हैं, और ये सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके मूल रता और नर्म लता के मध्य संबंध से। ध्यान रखिएगा कि मूल रता और नम्रता के मध्य संबंध क्या है। तो यदि ध्यान से आप सब देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि विद्यार्थी मूल रता m बराबर होता है n बाई वी इन लीटर, याद है? n जहां विलेय के मोलों की संख्या है और वी जो है बिलियन का आयतन है, और नम्रता जो आपने अभी अभी पढ़ा कुछ देर पहले कि नम्रता n इज इक्वल टू होता है ग्राम समतुल्यांकों की संख्या, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। खूब आराम से बोल सकते हैं, वॉल्यूम इन लीटर। और यहाँ पे n जो है विलेय के मोलों की संख्या है। फर्दर के लिए मैं n को यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या ही लिखता हूँ, कारण मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों लिखा। बताओ बाबू, यहाँ मैं बोल देता हूँ इसको विलेय के मोलों की संख्या, यानी नंबर ऑफ मोल। लिख दो मैसेज, ओके, नंबर ऑफ मोल। अब बताओ विद्यार्थी, इन दोनों में हम रिलेशन चाहते हैं, तो यदि डिवाइड करें मूलरता को नर्मलता से m बाई n, तो बताओ बाबू यहाँ पे बचेगा नंबर ऑफ मोल। अब वॉल्यूम यहाँ भी है, वॉल्यूम यहाँ भी है, कट जाएगा, यहाँ बचेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अरे भाई बचेगा जी, चलिए ग्राम समतुल्यांकों की संख्या हो जाएगा। अब बोलो यहाँ मूलता है, यहाँ नम्रता है, मैं लिख देता हूँ m बाई n। बताओ जी यहाँ नंबर ऑफ मोल यानी कि मोल की संख्या, याद कीजिए क्या होता था कि विलेय के मोलों की संख्या होता था विलेय का द्रव्यमान, याद है, बटा उसका मोलर द्रव्यमान, याद होता जी। बोलिए विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या, तब विलेय का द्रव्यमान बटा उसका तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार कैसे होता था, तो उसका मोलर द्रव्यमान बटा एन, याद है एन फैक्टर, जहां एन तत्व की समरूपता हो सकती है, आयन के लिए आवेश हो सकता है, अम्ल के लिए क्षारकता हो सकती है, क्षार के लिए अम्लता हो सकती है, लौण के लिए सक्रिय धातु की संख्या गुणा समरूपता हो सकती है। अब बताओ विद्यार्थी ये पलटरिया मारेगा ऊपर जाएगा, फिर ध्यान सुन लीजिए, पहले नंबर ऑफ मोल विलेय के मोलों की संख्या होता था दिया हुआ द्रव्यमान बटा उसका मोलर द्रव्यमान, बाबू यहाँ पे ग्राम समतुल्यांकों की संख्या होता था दिया हुआ द्रव्यमान बटा उसका तुल्यांकी द्रव्यमान, तो दिया हुआ द्रव्यमान तो दोनों के लिए एक सी है, और तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने का तरीका होता है उसके मोलर द्रव्यमान में एन से भाग लगाना। और बताओ बाबू ये पलटरिया मारेगा, एक्स से एक्स खत्म, वाई से वाई खत्म, क्या बचेगा उधर, बचेगा ना, अब कैसे एन बचेगा आप सोच लीजिए थोड़ा सा। बोलिए कि यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा एम बटा एन। बताओ तो बाबू ये कटेगा तो हम लोग का वन बटा एन आएगा कि खाली एन आएगा, सोच समझ के बोलना। जल्दी जल्दी बोलिए, वन बाई आएगा ना, अरे ना बुझा तो कहता मर देगा इसको पलटोड़िया मारा वो लोगों, वन बाई एन आएगा। अब बाबू इसको हम एन से गुना करेंगे तो ये इधर आएगा,
यानी कि यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि एम इंटू एन बराबर कैपिटल एन, दैट मीन्स कि नर्मलता बराबर एन गुने क्या जी, मूलरता। दैट मीन्स कि यदि किसी बिलियन की मूलरता दिया है और उसका नर्मलता निकालना है तो उसमें एन से गुना कर देंगे, किससे गुना कर देंगे, और आपको पता है कि यह एन क्या है, तत्व तो है तो उसकी संयोजकता होगी, यदि आयन है तो उस पर आवेश होगा, यदि अम्ल है तो उसकी क्षारकता होगी, यदि क्षार है तो उसकी अम्लीयता होगी, यदि लोन है तो सक्रिय धातु की संख्या गुणे संयोजकता होगी, होगी ना। जैसे आते हैं क्वेश्चन पे, ये बाबू हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छा सा कंसेप्ट मिल गया हम लोग को नम्रता और मूलरता के मध्य संबंध का। ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन में बोलता हूँ कि 3M H3PO4 बिलियन की सामान्यता बताएं। 3M H3PO4 बिलियन की क्या बताएं, यानी इसकी नॉर्मलिटी बतानी है मुझे। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देता है कि 3M H3PO4 बिलियन की सामान्यता होगी, ऑप्शन अच्छा को दे देगा। ओके बाबू बताएं क्या सामान्यता होगी, जो भी कह दिया जाए। आइए इसका आंसर कैसे निकालेंगे बताओ बाबू। हम लोग को पहले मूलरता दिया है, मूलरता कितना दिया है, अरे बोलो क्या निकालेंगे बाबा, सामान्यता मतलब नम्रता का मतलब कहते हैं एन गुने मूलरता। और बताओ बाबू, तो सामान्यता बराबर हो जाएगा एन गुने मूलरता, होगा ना। बोलिए एन का वैल्यू कितना हो इसके लिए, बोलिए ये एक अम्ल है, इस अम्ल की क्षारकता कितनी होगी, तीन होता है तीन, तो एन का वैल्यू यहाँ कितना है और यहाँ इसकी मूलरता कितनी है, बोलिए एम का वैल्यू तीन है, 3M तो ये हो गया तीन, कुल मिलाकर कितना आया, तो ये हो गया इसकी नम्रता। नहीं है बात यही लो, यही क्वेश्चन लेते हैं उपाधि सीधा कि 3M H3PO4 बिलियन की मूलरता बता, मूलरता पहले देख लीजिए ध्यान से, मूलरता के लिए क्या करेंगे हम, तो बताओ बाबू नम्रता निकालना है तो एन से गुना करो, मूलरता निकालना है तो एन से भाग करो, सीधा बताओ बाबू इसमें क्या होगा, तो मूलरता के लिए भाग लगाना पड़ेगा, एन का वैल्यू इस पर कितना है तो तीन, अब बताओ बताओ बाबू इसमें इसके लिए छोटका एन का वैल्यू कितना होगा, तीन होगा, तीन होगा, इसकी छलकती है ना जी, तो तीन से डिवाइड करेंगे तो अब बताओ कितना आया। अब तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो तुल्यांकी भार का कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे उसमें एन का वैल्यू लगता रहा, वो काहे के लिए सिखा रहे थे कि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है हम लोगों को, अब इस टाइप का ऑब्जेक्टिव मिल जाए तो बना देंगे। तो बताइए थोड़ा ध्यान से देख करके, ये तो हो गया, क्या मैं आगे बना दूं, आप नोट कर लीजिएगा पहले इतना पे रोक के, ठीक ना। आप फिर इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन देता हूँ यहाँ कि 0.4 H2SO4 बिलियन की सामान्यता बताएं, क्या करेंगे आप, तो क्या निकाला हम लोग को सामान्यता, और एम का वैल्यू यानी मूलरता का वैल्यू दिया है कितना 0.4, तो बताओ सामान्यता निकालना है तो हमें गुणा करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा किससे, छोटका एन से, बताओ H2SO4 के छोटा का वैल्यू दो, यस याद है आपको कि यो अम्ल है तो उसकी क्षारकता होगी है ना, तब तो आराम से इसका आंसर निकलेगा कि मुझे गुणा करना है तो 0.4 × 0.4 ना। तब उम्मीद करिए अब देखते मिले तो लुट लेवल होगा, तब बाबू वीडियो करो करके फास्ट लिखिए तीनों एग्जांपल प्लस में इसका डेरिवेशन, चलिए लिख लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसको मिटा दे रहे हैं और इसके बाद हम लोग मूलरता पे एक दो ठो छोटा छोटा न्यूमेरिकल बना दे रहा है पहले, फिर आपको मैं कुछ और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा न्यूमेरिकल के लिए। आइए बाबू एक क्वेश्चन लिखिएगा,
लिखे तो 5 ग्राम एने ओएच युक्त दो सौ पचास एम एल 250 ml बिलियन की मूलरता क्या होगी? 250 ml बिलियन की मूलरता क्या होगी? बाबू ऐसा क्वेश्चन अब बना चुके हैं पहले। वीडियो को रोक दीजिए, फटाक से बना दीजिए, जल्दी जल्दी बनाइए। हो गया, बना लिए, अब मिलाइए। हाँ बोलो, एक कहानी रुके कतरा, चलो अब बताओ। तो बबू यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका सॉल्यूशन निकालते हो तो बिले जो है NaOH है, उसका वैल्यू x कितना ग्राम दिया है? 5 ग्राम। और बाबू NaOH के लिए मोलर द्रव्यमान y बराबर कितना हो जाएगा? अरे NaOH का द्रव्यमान नहीं आएगा, बिलियन का आयतन भी बराबर 250। अब कह रहे हैं कि मूलरता बताइए, आपको पता होगा फॉर्मूला कि m बराबर x इंटू 1000 और बट्टा में बबू वाई इंटू भी इन मिलीलीटर, हो गया ना। अब बताओ बहू, इस फॉर्मूले में x का वैल्यू 5 × 1000 और बट्टा में y का वैल्यू 40 × 200 नहीं हो जाएगा? खूब आराम सॉल्व हो जाएगा, छोड़ देते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लो दूसरा क्वेश्चन लिखिए, शुद्ध जल की मूलरता शुद्ध जल की मूलरता 55.5 ये अच्छा ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। आइए इसको भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ कि कैसे होते हैं। हाँ बाबू, जल बिरयानी बता रहा है, जैसे उसमें ना उसका कुछ मात्रा उसमें इम्प्यूरिटी भी रहता है, जैसे ना होता है लॉन वगैरह। देखिए मैंने यहाँ पे बोल दिया शुद्ध जल के मूल रता बताएं, तो आप लोगों को पता है यहाँ पे सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा हमेशा। चूंकि शुद्ध जल का घनत्व जो है वह होता है 1 ग्राम प्रति सीसी, ठीक है, वो 1 ग्राम प्रति सीसी मतलब 1 सीसी में 1 ग्राम, सेंटीमीटर की। हाँ आइए, इसका मतलब हो गया विद्यार्थी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जल का द्रव्यमान कितना ग्राम, और बाबू यदि यह बिलियन है तो इस बिलियन का आयतन जो है वह ले लेंगे हम लोग 1 सीसी, मतलब कुल मिला के 1 मिलीलीटर, यानी कि हम बोल सकते हैं 1/1000। अरे बोलो ना, और बताओ कि हम लोग जानते हैं कि जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है बहादुर? तो मोलर द्रव्यमान होता है कितना? और हमें उसकी क्या निकालनी है? तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि मोलरता m बराबर होता है x × 1000 / y × ve मिलीलीटर। ओके, जब मिलीलीटर में ही वैल्यू पुट कर रहा है तो मुझे 1/1000 लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, नहीं तो हम इस फॉर्मूले को मिटा देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं मूलरता बराबर बिले के मूलों की संख्या n/v, वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये तो ये x है बिले के मूलों की संख्या, यानी x का वैल्यू कितना दिया है, और ये y है बिले का मूलर द्रव्यमान, यानी y बराबर कितना दिया है बाबू?
अब बताइए भी एम मिलीलीटर में, तो ये आयतन हमारा यहाँ पे है ना, भी बराबर कितना, वन सीसी, वन सीसी मतलब एक एम एम, मैं लिख जा सकता हूँ। अब बता दो मोल लगता एक्स का वैल्यू कितना है जी, इंटू बट्टा में वाई का वैल्यू इंटू, यस भी एक हो गया। अब बाबू इसको भाग लगा 18 से, 18 पच्चीस 90 बोली हो गया ना, फिर 50 100, 18 पच्चीस फिर हो गया। तो बाबू पूछा जाए कभी भी क्वेश्चन कि शुद्ध जल की मोल रता कितनी होती है, तो आप बोलिएगा 55.5 ए मोल रता के लिए, हो गया। चलिए जल्दी 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 नोट कीजिए, जब यहाँ एम लिखे तो वहाँ लिख गए, इसको बोलता हूँ मैं मोल प्रति, चलो हो गई। चलिए आगे देखिए, यहीं पे वीडियो को रोक करके अब फटाक दे अपलोड कर लेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो x a कैसे हो जाएगा, x a कैसे हो जाएगा बता बाबू, 1 ग्राम प्रति सीसी है जल का घनत्व है, तो जल का घनत्व द्रव्यमान बढ़ाया नहीं होता बिले का ही, तो हमें किसका निकालना है बाबू, मोल था शुद्ध जल का, तो हमने जल का द्रव्यमान लिया, जल में जल ही बिले है। हाँ जल, जिसे एक सीसी मतलब 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम जल घुला है, एक यदि हम लोग मिलीलीटर बिले लेते हैं तो उसमें 1 ग्राम जल घुला है, हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखिए, अरे थोड़ा सा घर पे भी वर्क कीजिएगा लो, दिक्कत होता है तो वीडियो देख लीजिएगा ना, तो जल्दी हो जाए बाबू। तीसरा क्वेश्चन लिखे लिखे, तो 250 ml, दो सौ पचास एम एल मतलब मिली लीटर, 250 ml एम बाई 10, 250 ml एम बाई 10 बिलियन बिलियन बनाने के लिए, बनाने के लिए निर्जलीय के लिए निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा आवश्यक होगी, निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा आवश्यक होगी, पेन वेन चलाओ तो लो शांत शांत। ओके बाबू अब देखो बाबू इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन को पहले ध्यान से दोबारा पढ़ लीजिए, क्या है बाबू, 250 ml एम बाई 10 बिलियन बनाने के लिए निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा आवश्यक होगी, ये आवश्यक सोडियम कार्बोनेट की मात्रा बताएं, ये ना क्वेश्चन है भाई, पढ़ लिए ध्यान से। अब बताइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे बाबू क्वेश्चन में इसका आयतन दिया है 250 ml, और विद्यार्थी यहाँ एम बाई 10 है, एम बाई 10 यानी कि एम मतलब मोल रहता, यहाँ पे मोलता का वैल्यू दिया है 1/10, बहादुर ध्यान दीजिएगा, एम बाई 10 यानी कि एम बट्टा 10 बा, तो हम लिख सकते नहीं एम बाई 10 के 1/10 गुने एम ना लिखा दी हो जी। बोलो तो अब बताओ लोग कहीं लिख ले हो के 2m यानी इसकी मोलता कितनी है, यदि कहीं लिखा हो 0.1m तो इसकी मोलता कितनी है, याद रहेगा जी। चलिए तो यहाँ पे हो गया m 1/10, अब कह रहे बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा यानी x का वैल्यू कितना होगा, कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, और y का वैल्यू तब बताइए, सोडियम कार्बोनेट जब ऑलरेडी दिया हुआ है बाबू तो इसका मोलर द्रव्यमान नहीं निकाल देंगे, 2 गुने सोडियम का द्रव्यमान 23 और 1 गुने कार्बन का द्रव्यमान प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो बताओ 23 दुना प्लस 12 प्लस 16 48 बारे, अरे बाबू ये बोल रहा हूँ मैं, 48 बारे 60 और 46 100,
यानी कि यहाँ पे हो गया 106 ग्राम प्रति मोल द्रव्यमान है। तो अब बताइए x का वजन निकालना। हमें पता है कि चूंकि m बराबर x इंटू 1000 बटा में y इंटू वी इन मिलीलीटर। अब बताओ विद्यार्थी इस वैल्यू को आप पुट करके यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं जी। बोलिए तो m का वैल्यू 1/10 पुट करेंगे, x का वैल्यू निकालना है 1000, y का वैल्यू पुट कर देंगे 106 इंटू वी का वैल्यू 50। इसको हल करेंगे तो हमारा किसका वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको घर पे बनाइएगा, आंसर मंगाइएगा। यदि आंसर किसी प्रकार का डाउट हो तो व्हाट्सएप पे कमेंट, व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आइए आगे देखिए। ये विद्यार्थी सुनिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे उलझाएगा लैंग्वेज में कभी कभी क्वेश्चन में। ठीक है, क्या जैसे पूछा देता है यहाँ पे 250 ml m by 10 लिखा है ना, m by 10 लिखा है ना, ये m by 10 न लिख करके ऐसा लिख देता कि मोलर बिलियन बनाने के लिए, कैसा मोलर, और यदि कह देता यहीं पे बाई मोलर बिलियन बनाने के लिए, यदि कह देता सेमी मोलर बिलियन बनाने के लिए, यदि कह देता देसी मोलर बिलियन बनाने के लिए, या कह देता सेंटी मोलर बिलियन बनाने के लिए, तो देखिए मजा आ जाता है इसमें। ऐसा कुछ देता तो यहाँ तो बोल दिया है m by 10 बनाने के लिए, तो आपने तो समझ लिया कि m का वैल्यू 1/10 है। यदि हम m by 10 न लिख करके यहाँ पे कहते कि 250 ml मोलर बिलियन बनाने के लिए आवश्यक Na2CO3 की मात्रा बताएं, अब क्या करते हैं जब ऐसा कुछ समझते तो ध्यान दीजिएगा, मोलर कहने का मतलब हुआ कि इसकी मोलरता है कितनी, बाई मोलर कहने का मतलब इसकी मोलरता है कितनी, सेमी मोलर कहने का मतलब हुआ कि 1/2 सेमी आधा हेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर अर्ध होता है आधा होता है, इसको आप 1/2 एम लिख सकते हैं, चाहे एम बाई टू भी लिख सकते हैं ना। तो यदि यही पे क्वेश्चन कर देता कि 250 एम एल सेमी मोलर बिलियन बनाने के लिए, तो भाव समझना पड़ता कि सेमी मतलब 1/2 वाला, यानी एम बराबर 1/2 पुट करके हम करते। मतलब समझ में ना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्या आप मीनिंग मेरा समझ रहे हैं, मेन उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है कि जब भी न्यूमेरिकल में ये लैंग्वेज दे दे हम लोग को तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो, हम इजीली क्लियर कर सके कि क्या छुपाना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। देसी मोलर, देसी मतलब 1/10 बोल दें, तो क्या मैं एम बाई 10 लिख सकता हूँ, बोलिए। तो बताइए इसी क्वेश्चन को, जो हू बहु क्वेश्चन था, यहाँ पे लिखा था एम बाई 10, यदि और मस्त क्वेश्चन घुमाना होता उसको बुतलाने के लिए आप लोग को, तो क्या लिखता है डेसी मोलर मतलब बनाने के लिए, और पढ़ते डेसी मोलर मतलब क्या होता है, तो एम बराबर 1/10 इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 m, इसको लिख सकता हूँ 0.5 m, अरे भाई पचल सेंटी 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 मैंने 100 m/100, यानी 0.01 m हो गया ना, ये मजा आया। तो उसी तरीके से बाबू मोलर को बजाय नॉर्मल कह दे, यानी 1 n, फिर कह दे यहाँ पे बाई नॉर्मल, फिर यहाँ पे सेमी नॉर्मल, देसी नॉर्मल, ऐसे सेंटी, फिर यदि मोलर देखो मोलल कह दे मोलल, इसको तो मोलल था, यस कह देता कि मोलल बिलियन बनाने के लिए, यानी छोटा एम बराबर 1, यही पे कह देता बाई मोलल यानी 2 छोटा एम मोलल था, तो हो जाएगी। तो भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके आज को फटाक से नोट कर लीजिए, देख लिए लो बबू। चलिए इतना चीज हो गया ना, अब हम लोग ये मोलरता का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा दिए जो हम लोग को लैंग्वेज प्रॉब्लम क्रिएट करा सकता था। ओके, अब देखिए इस लैंग्वेज प्रॉब्लम के अलावा भी हम लोग तो नहीं माने घर पे पढ़ाने में ही समस्या है यो अपना पहचान बना रहा है तो
देखिए क्या बताना था, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बाबू अपना मूलता पे एक और अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे ये बताना था कि विद्यार्थी यदि तनुकरण की स्थिति हो, तनुकरण की स्थिति हो तो आप क्या करेंगे। आइए तनुकरण की स्थिति कहने का मतलब समझिए मैडम, उसके बाद मैं लाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पात्र है, इस पात्र में मैंने यहाँ एक बिलियन ले लिया, क्या चलो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो गए ना, हो गया बाबू ठीक है। ध्यान से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है, यह हम लोग जो सॉल्यूशन लिए हैं ये लिया है मैंने 250 ml बिलियन ले लिया, ओके। और इस बिलियन की जो मोलरता है बाबू वह कितना एम है, ठीक बाबू। और ये जो है जलीय बिलियन है, कौन सा बिलियन है, जलीय बिलियन है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस यही बिलियन जो है इस बिलियन को हम लोग 500 ml बनाना चाहते हैं, यानी कि इसमें हम और ज़्यादा जल मिला दे रहे हैं कि अब ये बिलियन कितना हो गया बाबू। अब इस बिलियन को हमें 500 ml बनाना है तो बताओ विद्यार्थी कि बाहर से मैंने जल को मिलाया यानी विलायक को मिलाया, और विलायक को मिलाया तो विद्यार्थी इस स्थिति को क्या कहते हैं, स्थानुकरण की स्थिति बोलते हैं। जैसे शरबत बनाते हैं का भाई, घर पर देखे कि द्वार पे दो लोग आए तो आप गए घर पर शरबत बनाने के लिए, बनाए तो पता चला कि लाने से पहले एक आदमी बढ़ गए, तीन आदमी, तब क्या करते हैं थोड़ा सा पानी बढ़ा देते हैं, चीनी भले मिलाए चाहे ना मिलाए पानी बढ़ा दिए, पता चला कि एक आदमी और बढ़ गए चार आदमी हो गए फिर पानी मिला दिए। मतलब वही कि विलेय की मात्रा अर्थात चीनी की मात्रा जेम के तेम ही रह गई, अब बार बार जल मिला रहे हैं यानी विलायक मिला रहे हैं, तो यह स्थिति तनुकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, तो बताइए जो 250 ml बिलियन था उसको मैंने 500 ml बना दिया तो अब इस बिलियन की मोलरता कितनी होगी, यानी कि ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो तो उसको कहते हैं तनुकरण की स्थिति। तो तनुकरण की स्थिति के लिए वो फॉर्मूला याद रखिएगा m1v1 बराबर m2v2, यानी तनुकरण के पूर्व, तनुकरण के पूर्व मूलता गुने उसकी आयतन बराबर तनुकरण के पश्चात मूलता गुने उसकी आयतन। बात समझ में आई जी सर, क्या है यह भाई। देखिए उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बाबू मिश्रण की स्थिति, मिश्रण की स्थिति ये क्या है। हमने क्या किया कि यहां पे एक सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन जो है बाबू 300 ml H2SO4 सॉल्यूशन है जिसकी मूलता है 5 m, ओके विद्यार्थी। यहां पे मैंने क्या किया कि एक सॉल्यूशन लिया ठीक बाबू, जिसमें ये 500 ml H2SO4 सॉल्यूशन है और इसकी जो मूलता है विद्यार्थी वो है 4 m, ओके दो हो गया। इन दोनों को क्या करते हैं कि हम एक बड़े से पात्र में मिला देते हैं, ठीक है ध्यान से, इस बिलियन को मिलाया और इस बिलियन को मिलाया और यहाँ पे एक नया बिलियन तैयार किया। तो विद्यार्थी ये तो डेफिनेटली होगा कि 300 और 500 800 ml H2SO4 सॉल्यूशन ही बनेगा, लेकिन अब इस बिलियन की मोलरता कितनी होगी ये क्लियर करना है। तो बताओ तनुकरण की स्थिति अलग है और ये मिश्रण की स्थिति अलग है, समझ में आया। क्वेश्चन में ऐसा बोले कि 300 ml 5 m H2SO4 बिलियन को 500 ml 4 m H2SO4 बिलियन में मिलाया जाता है तो प्राप्त बिलियन का मोलरता बताएं, तो हमें कौन सी स्थिति जानी है। और ये क्वेश्चन कह दे कि 250 ml 5 m जलीय बिलियन से 500 ml जलीय बिलियन बनाने के लिए बनाने पर आवश्यक मूलरता बताएं, तो दोनों का लैंग्वेज एकदम अलग है,
एक जगह का लगाना हम लोग को, इस जगह का लगाना है यहाँ पे, तब मिश्रण की स्थिति में होता है वो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू बराबर एम इन टू वी वन प्लस वी टू, जो कि आपने देखा कि दोनों के आयतन को जोड़ देंगे परिणामी के लिए, और ये एम जो है यह इस मिश्रण की मोल रहता है। तो जब एम निकालना हो तो वी वन प्लस वी टू से भाग लगा दिए, बताओ तो एम वन वी वन मैंने पहल का ही हो गया एम वन ही हो गया वी वन, यहाँ एम टू वी टू यानी कि ये हो गया एम टू ये हो गया वी टू बराबर एम इंटू वी वन प्लस वी टू, वी वन प्लस वी टू भाग लगा देंगे, इन दोनों के आयतन को जो कि डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा मिश्रण की स्थिति वाला फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्लियर हो गया है। तो बाबू ये यदि मूलता के लिए आप देख रहे हो तो ये नम्रता के लिए भी वैलिड है, यानी कि नम्रता के लिए भी ये कंसेप्ट सकते हैं बाबू। चलिए अब उम्मीद करता हूँ कि जब घर पे आप न्यूमेरिकल बनाने बैठेंगे और जैसे लैंग्वेज बोलेगा लैंग्वेज से आप समझ आए कि कौन सा मिश्रण की स्थिति है और कौन सा तनुकरण की स्थिति है। ओके आइए क्वेश्चन लिखते हैं पहले। बोले हमने लिख लिया ये वाला, लिख लिया जल्दी से। दो दिन नहीं कहलो पढ़ लो बढ़िया आराम कर लो बाबा बारिश का वजह से दो दिन का पढ़ लो आज तो नहीं वही बन के ठीक बा। डी डी ओ तो एक संग अपलोड हुई ना, दो दो तीन तीन घंटा बाद ही अपलोड हुई, ऐसे तो नहीं लोग बहादुरी यही में बा कि जैसे वीडियो अपलोड हुई भन दौरा के देख लेनी अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेनी, चूँकि अगला वीडियो कब अपलोड हो कौन ठीक नहीं तैयार रहेगा हमेशा, बीच में मौसम खराब करी तो जहिया बढ़िया करी तो यह सब भरपाई ले लेवे के बाद लोहा तो नहीं पढ़े खतरा लोग जबरदस्ती पढ़ावल जी घुटवावल जी तो नहीं क्या आराम बा दो तीन घंटा बाद दूसरा देख लो लोग हो गई लिख लो क्वेश्चन। देखिएगा 10 m मतलब 10 m HCl बिलियन लिखिए 10 m HCl, टेन एम हो गया HCl बिलियन का कितना आयतन कितना आयतन 5 m HCl 5 m HCl के 2 liter बिलियन के 2 liter बिलियन बनाने में प्रयुक्त होगा के 2 liter बिलियन बनाने में प्रयुक्त होगा ओके बाबू बताओ तो ये पहला है एम वन बराबर कितना और वी वन बराबर कितना कह रहा है कि वाट, और यहाँ बताओ बाबू ये एम टू बराबर कितना बोल रहा है और वी टू बोल दे रहा है कितना 2 liter हो गया। अब बताओ तो हम लोग को पता है कि विद्यार्थी यह तो बिलियन सेम है और इसी से ये वाला बनाना है, मतलब कि तनुकरण की स्थिति है, दो बिलियन नहीं लाया गया है, तो बताओ तनुकरण की स्थिति में क्या होता है, तनुकरण की स्थिति में क्या होता है। चला तो एम वन वी वन बराबर एम टू वी टू होता है, एम वन का वैल्यू 10 × V1 निकालना है, एम टू का वैल्यू 5 × 2, तो बताओ बाबू वी वन बराबर कितना कट देंगे तो 5 × 10/10 कटा तो 1 1, अरे बोलो ना लीटर बढ़ गई से। चलिए वीडियो को रोक करके फटाक दे लिख लीजिए लो, चलिए लिख लीजिए। आइए अगला नोमेटा लिखिएगा, लिखिए ये आपको बनाना है, आसान क्वेश्चन है, आपको पता है कैसा बनेगा, नहीं फटाक दे क्वेश्चन लिखिएगा लो। लिखिए तो NaOH बिलियन की नम्रता ज्ञात कीजिए,
एन ए ओ एच बिलियन की नर्मलता ज्ञात कीजिए कीजिए ज्ञात कीजिए जिसमें जिसमें 50 ग्राम NaOH जिसमें 50 ग्राम NaOH 5 लीटर बिलियन में उपस्थित है उपस्थित है उपस्थित है हो गया बस रख दे वीडियो को रोक के फट रख दे बना दीजिए एक से डेढ़ मिनट भी नहीं लगेगा आपको बनाने में चलिए हो गया देखिए तो मिलाइए तो तीन दस एक में गलत है बोलिए लो सॉल्यूशन सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि बबू बिले का द्रव्यमान दिया हुआ है ओके यानी एक्स का वैल्यू दिया है कितना ग्राम और विद्यार्थी वॉल्यूम भी दिया है 5 लीटर ओके और कह रहा है कि नम्रता बताइए अब बताओ बाबू चूंकि आप सब लोगों को पता है कि चूंकि नर्मलता बराबर होता है क्या बिले का बिले के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या याद है समतुल्यांकों की संख्या अब बट्टा में क्या बिलियन का आयतन बिलियन का आयतन बहु आयतन किस में चाहिए लीटर में अब बताइए बिले के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या होता है बिले का द्रव्यमान यानी दिया हुआ द्रव्यमान बटा उसका तुल्यांक की भर बिले का दिया हुआ द्रव्यमान कितना है अब बटा उसका तुल्यांक की भर बताओ NaOH का तुल्यांक की भर निकालने का मतलब हुआ कि NaOH का मोलर द्रव्यमान बटा उसकी अम्लीयता बताओ NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होगा कोई दिक्कत नहीं हम कुछ नहीं हुआ था सिर्फ बैटरी कम हो गया था ओके मतलब तनियों की जान बच गई हो गया तो बताओ ये हो गया 40 NaOH का मोलर द्रव्यमान अब आप बताओ तो इसकी अम्लीयता कितनी होगी एक तो डिवाइड करेंगे तो कितना है यानी NaOH का तुल्यांकी भर 40 हो गया तो बताओ इसके ग्राम समतुल्यांकों की संख्या निकालने का तरीका हुआ दिया हुआ द्रव्यमान बटा उसका तुल्यांकी भर और बट्टा में बिलियन का क्या चीज और बताओ बिलियन का आयतन कितना है अब तो खूब आराम से आप फल कर सकते हैं इसको कोई दिक्कत है बाबू आराम से हो जाएगा आपका 0.25 एक बटा चार एन 0.25 है छोड़ दे इसको अगला क्वेश्चन लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 2.5 छोटा है ओके 2.5 छोटा है जलीय बिलियन में 2.5 छोटा है देख लो माने मोलल बोला है 2.5 छोटा है बिलियन में जलीय बिलियन यस 2.5 छोटा है जलीय बिलियन में बिले का का मोल प्रभाज बताएं देखिए तो क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़िए कि क्वेश्चन है हमारा 2.5 m जलीय बिलियन में बिले का मोल प्रभाव क्या करें बाबू बताएं यानी कि ज्ञात करना है ओके आइए देखिए ध्यान से क्या है बताओ 2.5 m जलीय बिलियन में बिले का मोल प्रभाव बताना है बाबू थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा अच्छा है अच्छा नंबर कर दिया है देखिए सॉल्यूशन बताओ बाबू
अब मैं पूछूं आपसे कि चूंकि इस क्वेश्चन में मोललता कितना दिया है 2.5 कंफर्म जी। और बताओ जाती मोललता का फॉर्मूला होता है एन बाई बोल बोल ठीक है यस एन बाई डब्लू यानी कि बिलय के मूलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में होता है ना। तो n बाई डब्लू का वैल्यू दिया है 2.5। अब मैं कुछ पूछूं कि आप बताओ इसके नीचे कितना छिपा है। तो अब यदि यहाँ से चाहक विद्यार्थी हैं तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ से n बराबर यानी विलय के मूलों की संख्या कितना हो जाएगा 2.5 एवं मैं पूछूं यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान विलायक कौन है विद्यार्थी जल का द्रव्यमान कितना है बाबू तो सीधा बोलेंगे कि सर आप 1 केजी हो जाएगा यहाँ। और इसका बाबू बताओ तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा जल्दी बोलिए जल का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा कितना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि विलय का मोल प्रभाज बताइए तो आपको पता होगा कि विलय का मोल प्रभाज निकालने का तरीका होता है यदि विलय के मोलों की संख्या बटा विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या का योग होता है विद्यार्थी बताओ तो विलय के मोलों की संख्या 2.5 कितना है बाबू अब बट्टा में विलय के मोलों की संख्या कितना होगा 2.5 प्लस विलायक के मोलों की संख्या तो दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान 1 केजी को ग्राम में बदलेंगे तो विद्यार्थी कितना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1000 ग्राम बट्टा में कितना इसको विद्यार्थी डिवाइड कर देंगे हम लोग तो 55.55 आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2.5 अब बेटा में 2.5 प्लस 55.5 बोलिए तो 56.58 हो जाएगा मुझे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 2.5 बटा 58 और ये रोज हम देंगे हमारा आंसर बढ़िया जी। तो विद्यार्थी अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए आज के लिए दर्शक जय हिंद जय भारत मन से पढ़ते रहिए।